हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और देखिए कितने सुंदर गेंदा के फूल लगे हुए हैं, मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं। और ये फूल बहुत दिन तक इसी तरीके से लगे रहते हैं, झड़ते भी नहीं हैं और सूखते भी नहीं हैं। यहाँ पर देखिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मान्या मुझसे क्या क्या बोल रही है, मुझे हंसी भी आ रही है और वो कुछ एडवाइस भी करती आती है। देखिए आज हम क्या बनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक 15x15 का कपड़ा लिया है। ये कपड़ा आप किसी भी चीज़ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे लगाने के लिए मैंने दो और कपड़े लिए हैं। अगर आप फॉर्म लगाते हैं तो सिर्फ आपको एक ही कपड़ा लगाना है। देखिए अब हम इन तीनों कपड़ों को जोड़ते हुए जो है 40 सिलाई लगा देंगे। और उसी ये एक टॉप का कपड़ा था और उसी टॉप में से एक लेस निकली थी, मैंने उसको भी इसके नीचे यहाँ पर लगा दिया है। और देखिए अब हमें इसमें एक और कपड़े से इसमें नेफा या बेल्ट जो भी है वो बनाना है। देखिए मान्या अभी भी क्या कर रही है। और इसमें इस तरीके से हमें एक तरफ सिलाई लगाते हुए इस कपड़े को इस तरीके से पलट लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमें डोरी डालनी है। हमें इसके नीचे जो हमने लेस लगाई थी उस तरफ 1 या 1.5 इंच की जगह छोड़ते हुए इसको बनाना है। और एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनेगा और आप भी ज़रूर बनाइए। देखिए इस तरीके से तैयार हो गया है और इसकी दोनों साइडें यहाँ से खुली हुई हैं। इसके ऊपर भी अब हमें पाइपिंग करनी है। और देखिए मैंने उसी कपड़े से इसके ऊपर भी पाइपिंग कर दी है। अब मैंने एक और कपड़ा लिया है जो कि एक जिप की तरह है, जैसे कि हम किसी पॉकेट में किसी कपड़े में पॉकेट लगाते हैं उस तरीके से है। और देखिए इसमें भी मैंने दो कपड़ों को जोड़ते हुए ब्रॉकेट वाली सिलाई लगा दी है और इसके चारों तरफ भी मैंने पाइपिंग कर दी है। जो हमने पहले कपड़ा तैयार किया था उसमें मुझे सिलाई लगानी है। देखिए हम इसमें ऊपर से जो हमने नेफा बनाया था उसको छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। उस जगह को हम छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ से हम एक डोरी डालेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं, जो कि ना करें, बहुत बुरा लगता है। और देखिए इसके अंदर से हमें डोरी डाल देनी है। इस तरीके से मैंने डोरी डाल दी है। अगर आपके पास इस तरह की डोरी ना हो तो आप ऊन या और भी किसी या इसी कपड़े से बनाकर इसको डाल सकते हैं। अब देखिए हमें इसको इस तरीके से इसमें अटैच कर देना है और इसके पीछे हम एक हैंगर लगा देंगे। देखिए उसको लगाने के लिए मैंने इसमें इस तरीके से यहाँ पीछे लगाते हुए सिलाई कर दी है। और आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए आपने किस तरीके से बनाया है। देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। अब हम जब इस डोरी को खींचेंगे तो ये एक टोपी की तरह बन जाएगा और इसमें हमें इतनी जगह छोड़नी है कि हमारा हाथ अंदर चला जाए। और देखिए इसके ऊपर मैंने ये दो चिपचिट वाले टेप लगा दिए हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई बटन भी लगा सकते हैं। और आप जिस तरह से भी इसको डेकोरेट करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए उसी लेस का वही वाली लेस थोड़ी और बच गई थी, मैंने उसको यहाँ पर भी इस तरीके से सिल दिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक लाइक कीजिए। सब्सक्राइब में कोई पैसे नहीं लगते हैं और ना ही लाइक में लगते हैं, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिए। और देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसमें मैंने पॉलीथीन रखी है क्योंकि पॉलीथीन का यूज़ सभी घरों में होता है और इनको रखने में हमें बहुत दिक्कत आती है। इस तरीके से आप भी रखिए, ऊपर से डालते जाइए और नीचे से निकालते जाइए। वैसे हमें कम से कम पॉलीथीन का यूज़ करना चाहिए और इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।